खराब समझकर फेंक दी जाने वाली चीजों से बहुत से लोग बेहद खूबसूरत वे सजावटी सामान बना लेते हैं। ऐसी ही कहानी मैं आपको बता रहा हूँ चावला राम की। चावला राम जोधपुर के रहने वाले हैं। वर्तमान में खैरतल शहर में झुग्गी डालकर अपने परिवार के साथ रह रहा है। जिन कांच के टुकड़ों को अक्सर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, उन्हीं के माध्यम से चावला राम सजावट के बहुत से सामान बनाता है। चावला राम का कहना है कि वे इस कला के माध्यम से अपने परिवार का पेट भर रहा है। इन बेकार कांच के टुकड़ों से बनाई गई चीजों को चावला राम 100 या 150 रुपए में बेचते हैं, जिनके माध्यम से उनकी दिनचर्या चल रही है। अंत में चावला राम कहते हैं, हम इन झुग्गियों में रहकर काफी खुश हैं। आप कितने रुपए तक का बेच देते हो इसको? इसको हम बेचते हैं 100 रुपए में, 150 में बेचते हैं। 100 या 150 रुपए में आपको बचत तो होती होगी ना इसमें? होता है, इसलिए तो बनाया हुआ है, बनाते हैं हम। आपकी जो मेहनत मजदूरी है वो मिल जाती है ना पूरी तरीके मिलता से? मिलता है। आप खुश हो इस काम से करने में? हाँ, खुश है हमारा। कितने दिनों से ये काम कर रहे हो आप? अभी तक कर रहे हैं, पर हर साल से कर रहे हैं हम तो। आप इधर के ही रहने वाले हो, खैरतल शहर के? नहीं, जोधपुर का है। जोधपुर शहर से रहने वाले हो? कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हो खैरतल में? खैरतल में 3 महीना हो गया। आप ये जो काम कर रहे हो ये बहुत अच्छा काम है। आप किसी पक्के मकान में रह कर के नहीं कर सकते ये काम? नहीं नहीं, हम तो ये झोपड़ी में रहते। आपको झोपड़ी में रहकर ये अच्छा लगता है? ये थे जोधपुर से चावला राम, जो फिलहाल खैरतल में झुग्गी बस्तियों में रह रहे थे। खैरतल से संजय बाबू के साथ सुनील बत्रा की रिपोर्ट। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।